हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने इंडिया की ट्रिप बुक कर ली है। इंडिया बहुत जल्दी ट्रैवल करने वाला हूँ, बट एज पर रेगुलेशन आई नीड टू डू अ कोविड टेस्ट, तो इसके लिए मैं अभी निकल रहा हूँ कोविड टेस्ट के लिए। बाहर का टेम्परेचर 37 डिग्री बता रहा है। वेल, अभी आफ्टरनून है, तो एक बात तो चाहिए कि ट्रैफिक मुझे कम मिलने वाला है। यूँ तो आप ट्रैवल के लिए जो कोविड टेस्ट होता है वो कहीं पर भी जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड क्लिनिक्स हैं या गवर्नमेंट अप्रूव्ड टेस्ट सेंटर्स हैं आप वहाँ पर कर सकते हो, बट सिंस प्राइम क्योंकि मेरे घर के पास है, काफ़ी कन्वीनियंट है मेरे लिए, तो मैं वहीं जा रहा हूँ टेस्ट के लिए। एंड गाड़ी में ऑलरेडी फ्यूल काफ़ी कम है, तो मुझे फ्यूलिंग भी रिटर्न में करना पड़ेगा। अच्छा है कि ट्रैफिक नहीं था, और जो रास्ता मैं शायद 20 मिनट में कवर करता वो सिर्फ 10 मिनट में कवर हो गया। ड्यूरेशन की बात करूँ तो फॉर इंडिया, लाइक इंडिया जाने के लिए, इंडिया जाने के विद इन 72 आवर्स आपको चाहिए होता है PCR टेस्ट। दिल तो थोड़ा जरूर धड़क रहा है कि क्या होगा, बिकॉज कोई भी सिम्टम नहीं है, मैंने वैक्सीन भी करवा रखा है, बट फिर भी थोड़ा सा डर लगा रहता है कि लास्ट मोमेंट में आप सब कुछ बुक कर चुके हो, सारा प्लानिंग हो चुका है, सारी ट्रिप की प्लानिंग हो चुकी है, और लास्ट मोमेंट में ये PCR रिपोर्ट अटक ना जाए। बट लेट्स होप सब सही होगा। सो लेट्स गो, लेट्स सी। वेल, अच्छी बात यह है कि विद इन 16 आवर्स रिजल्ट आ जाएगा। टेस्ट इज डन, बट आई मस्ट से इट्स नॉट अ कंफर्टेबल टेस्ट। टेस्ट हो चुका है, टिकट हो चुका है, पैकिंग हो चुकी है, एंड ईगरली वेटिंग जल्दी से ये रिपोर्ट आए तो फिर मैं अपलोड करूँ उसे एयर सुविधा के साइट पे, जो कि इंडियन गवर्नमेंट की साइट है जहाँ से आपको परमिशन लेना होता है, और वो जब अप्रूवल आपको मिल जाता है उसके बाद ही आप फ्लाइट बोर्ड कर सकते हो, विच इज़ इनफैक्ट अ गुड थिंग ऑल्सो टू सम एक्सटेंट। येस आई नो इट्स अ बिट इनकन्वीनियंस, जो हमें आदत थी बिल्कुल बिंदास होकर ट्रैवल करने की उस पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लगी है, लेकिन अगर सेफ्टी को ध्यान में रखो तो डेफिनेटली ये एक अच्छा मूव है। जहाँ तक एयरलाइंस की बात है, एयरपोर्ट की बात है, तो वो लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि पैसेंजर को इनकन्वीनियंस ना फील हो। फास्ट चेक इन एंड ऑल दैट थिंग इंट्रोड्यूस कराया उन लोगों ने, फुल स्पेशल कार्ड क्या कार्ड। तो जब तक टैंक फुल होता है तब तक मैं आपको बता दूं कि आफ्टर PCR टेस्ट, आफ्टर यू गेट योर रिपोर्ट, यू नीड टू अपलोड इट ऑन एयर सुविधा पोर्टल, जो कि बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, बिकॉज अगर आपको वो ट्रैवल कोड और वो ट्रैवल परमिशन नहीं मिला तो आपको फ्लाइट बोर्ड नहीं करने दी जाएगी। सेंटाफे की टैंक कैपेसिटी टोटल 60 लीटर की होती है, तो आई थिंक अभी भी अराउंड 54-52 के आसपास लेना चाहिए इसे टैंक, इसमें फ्यूल। तो गाइस फाइनली फ्यूल अप हो चुका है, टेस्ट भी हो चुका है, अब सिर्फ रिपोर्ट आने के बाद अप्रूवल कोड लेना बाकी है। तो मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में।